अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जाहिद नवाज़ और आप YouTube पर मेरा चैनल देख रहे हो जेड एस ट्रेलर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप अपने घर में सेफ्टी ग्रिल लगवाना चाहते हो, जैसा कि आप जानते हो एल्युमिनियम की जो विंडो रहती है उनके अंदर या बाहर वाली साइड पर सेफ्टी ग्रिल लगती है, अगर आपके विंडो का साइज़ है 6x4 या 4x4, आपका सेफ्टी ग्रिल बनवाने पर टोटल कितना खर्चा होगा। और साथ में मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी जो सेफ्टी ग्रिल रहती है उसका जो फ्रेम है वो एंगल पट्टी का होना चाहिए या जो आजकल पाइप का बना रहे हैं, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, और इनके अंदर जो राड लगता है वो कितने सूतर का होना चाहिए ताकि आपकी जो सेफ्टी ग्रिल है वो मजबूत भी हो और पायदार भी हो। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक तो फिर बनता है, कमेंट्स कीजिए। तो आपने अपने घर में सेफ्टी ग्रिल बनवानी है तो जो सबसे बेस्ट है वो एंगल पट्टी का फ्रेम बनवाइए। आपने कोशिश करनी है, आप जिससे भी सेफ्टी ग्रिल बनवाओ उससे पहले बात कर लें कि आपने एंगल पट्टी का फ्रेम बनाना है। आप माशाल्लाह समझ गए होंगे, इसको जंग बहुत देर से लगता है और ये मजबूत और पायदार भी होती है। अगर आपने फ्रेम बनवाना है पाइप का, जैसा कि आपने आजकल देखा होगा 1x1/2 इंच का पाइप रहता है उसका फ्रेम बना देते हैं, और जो दोस्तों सेंटर में राड लगता है सरिये वाला, उसकी जगह पर भी मैंने देखा है कि लोग अक्सर जो पाइप है आजकल वो लगवा रहे हैं। तो आपने अगर पाइप की सेफ्टी ग्रिल बनवानी है तो आपने कोशिश करना है कि 16 गेज का पाइप लाजमी हो। दोस्तों वो मजबूत होता है और पायदार होता है, उसको जंग जल्दी नहीं लगता। सबसे जो दोस्तों बेस्ट है, आप फ्रेम बनवाओ एंगल पट्टी का, या अगर 16 गेज का पाइप है उसका भी आप फ्रेम बनवा सकते हो। जो सेंटर में राड लगता है वो दोस्तों आपने कोशिश करना है 3 सूतर को, 3 सूतर का रहेगा और उसमें जो गैप है 3.5 इंच या 4 इंच, इससे ज़्यादा गैप ना हो, ऊपर को भी और साइड में भी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो इस तरह का अगर आपने डिज़ाइन बनवाना है तो आपने कोशिश करनी है कि 3 इंच या 4 इंच का गैप इससे ज़्यादा ना हो। दोस्तों ये रहता है कि आपकी जो सेफ्टी ग्रिल है उसकी मजबूती बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम सेफ्टी ग्रिल इसीलिए लगवाते हैं कि हमारे घर की सेफ्टी हो। अगर सेफ्टी ना रहे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, अगर आपने सेफ्टी ग्रिल बनवानी है विंडो के लिए और आपकी विंडो का साइज़ है 6x4 जो कि 24 स्क्वायर फिट बनता है, आपने 24 स्क्वायर फिट को 330 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जो ताज़ा तरीन सेफ्टी ग्रिल का रेट है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में आपको 310 रुपये से लेकर 330 रुपये पर स्क्वायर फिट में इंशाल्लाह काम कर देंगे। इसमें जाली नहीं लगी होगी, कुछ हमारे दोस्त हैं वो जाली भी लगवाते हैं, वो जाली दोस्तों अगर आपने लगवानी है तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा होगा। ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ इसमें जाली शामिल नहीं है, ये अच्छी गेज का पाइप है, 16 गेज का पाइप रहेगा और जो सेंटर में राड लगते हैं वो 3 सूतर को होगा। अगर आपने फ्रेम एंगल पट्टी का बनवाना है तो फिर भी आपको इंशाल्लाह 330 रुपये पर स्क्वायर फिट में पूरे पाकिस्तान में रेट मिल जाएगा। अगर आपकी विंडो छोटी है 4x4 साइज की है, 16 स्क्वायर फिट एरिया बनता है, आपने 16 को 330 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ये आपकी एक सेफ्टी ग्रिल तैयार हो जाएगी 5,280 रुपये में। दोस्तों मैं जो आपको रेट अपडेट कर रहा हूँ आपके एरिया वाइज 10 रुपये से लेकर 20 रुपये पर स्क्वायर फिट कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में एक रेट फिक्स नहीं होता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर दोस्तों अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।